करते हैं विकास की। विकास तो पागल हो गया, वो चला गया हिमालय के पर्वत पे बैठा, उसको पकड़ के ले आना है। उत्तर प्रदेश के नौ उपचुनाव की सीटों पर अब रिजल्ट आ भी चुका है और जिसमें से 7 और 2 का आपने देखा होगा कि आंकड़ा मिला है और 7 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। लेकिन हम लोग मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा का हम लोग कवरेज कर रहे थे और यार आपने प्रत्याशी की बातों को सुना और उन्होंने क्या कहा। फिलहाल मझवा के उस कछवा मार्केट में हम लोग हैं जो कि मझवा विधानसभा का सबसे बड़ा मार्केट है और उसी चाय की दुकान पर हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं जहाँ पर कि उन राजनीतिज्ञों का जमावड़ा लगता है जहाँ पर कि पहले हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से विजय हासिल कर ली है। सुचिमिता मौर्य लगभग 5,000 वोटों से यहाँ पर विजेता भी बन चुकी हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अब चुनाव तो जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी का फिर से एक बार हाथ खाली रह गया है और आप बड़े वादे कर रहे थे कि इस बार इतिहास पलट दिया जाएगा, जो भी अभी तक सपा ने यहाँ से नहीं जीता है वो जीत करके इस बार यहाँ से जाएगा। आप क्या कमी रह गई आपको? नहीं, कमी कुछ नहीं रह गई है। हम यहाँ की जनता को तो नहीं और न भाजपा के कार्यकर्ताओं को, चुनाव में लगे अधिकारीगण और पुलिसगण को बहुत बहुत बधाई देते हैं भाजपा को चुनाव जीतने के लिए। उनको किस लिए बधाई? भाई बधाई, अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन और शासन ने चुनाव कराया है जिससे कि भाजपा चुनाव जीती है। अभी आपने कहा कि शांतिपूर्ण से चुनाव कराया, लेकिन अखिलेश यादव का उसी दिन से लगातार कई ट्वीट ऐसे आए जिसमें से पुलिस के द्वारा पिस्टल निकाली गई और मारने का प्रयास किया गया कि उनको मतलब इस तरह से धमकाया गया कि वोट ही नहीं करना है। अब यह सब नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई सत्ता है भाजपा की। नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि नहीं तमाम कल उठा के बंद कर देंगे भाजपा वाले, पुलिस वाले बंद कर देंगे उठा के, तो क्या करेंगे भैया, डर लग रही है। अभी यहाँ पर इसी मझवा विधानसभा के जलालपुर में एक पत्रकार को भी पकड़ ले गए थे। यहाँ चुनाव प्रशासन के बल पर जीता गया है, मतलब मझवा में भी ये बात कर रहे हैं। प्रशासन चुनाव जीती है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रशासन शासन को। मतलब मझवा विधानसभा में भी ये बात आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा अनुभवी ये लोग हैं और अब तो भाजपा जीत गई है और इनका कहना है कि पुलिस के बल पर जीता गया है और ये सब तमाम आरोप लगा रहे हैं। जी, इनको हार स्वीकार करनी चाहिए। जीतने की सबको बधाई। ये अगर हारे हैं तो हम आशा करते हैं कि एक अच्छे विपक्ष का निर्वहन करेंगे और सरकार को साथ में लेकर के, सरकार इनको साथ में लेकर के इनके हर मांग को पूरा करने की सरकार कोशिश करेगी। हम लोग तो यहीं पर रोज बैठते हैं, पक्ष विपक्ष की बातें होती रहती है। जीत बहुत बड़ी चीज़ होती है और जीतने के लिए, जिताने के लिए सारी जनता को, सबको। लेकिन अभी आपके नेता से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि, हमने पूछा कि सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, उनका कहना था कि हम भाजपा के आला कमान को धन्यवाद देंगे और, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी दलों को नहीं याद किया जो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल उनकी सहयोगी दल है, यहाँ से सांसद भी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी काफी अहम भूमिका थी जीत दिलाने में। लेकिन आपकी प्रत्याशी ने उनको याद नहीं किया है? अब जीत की ज्यादा खुशी रही होगी जिसकी वजह से याद तो जरूर करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि मतलब याद नहीं करेंगे, तो भीड़ भाड़ में खुशी में थोड़ा सा भूल गई होंगी। भाजपा जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। हम बधाई देते हैं माननीय सुष्मिता मौर्य जी को, उन्होंने चुनाव चाहे जैसे जीता, चुनाव जीत जीत होती है और हम लोग, भाई सरकार है, मुख्यमंत्री जी के हम लोग साथ हैं और यही अपेक्षा रखते हैं कि ईमानदारी से जनहित में कार्य हो। जनहित में कार्य नहीं हो रहा है, सब निरंकुश हैं, अंकुश किसी पर नहीं है, सारे कर्मचारी अधिकारी सब निरंकुश हैं, किसी पर दबाव नहीं है और यह लोकतंत्र का हत्या कहा जा सकता है, जो कि आज इस चुनाव में देखने को मिला कि लोकतंत्र का सीधे सीधे हत्या हो रहा है। चलिए, एक लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम राज बहादुर सिंह है, यही मझवा विधानसभा के रहने वाले हैं और जीत जीत तो गई है भाजपा और अब सपा ने, अरे भाई सब लोग चाहते थे कि बीजेपी यहाँ से जीते, अब बीजेपी यहाँ से जीती, उसने काम किया है, ये बात नहीं है, लोग कहने के जाए जो कहें लोग, लेकिन काम किया है।
लेकिन अभी 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 अभी, 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 अभी मैंने आपके हमें आपके प्रत्याशी से हमने बात किया तो कि सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, तो उनका कहना है कि पहाड़ी ब्लॉक में पानी की बड़ा समस्या है, वो हम दूर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सब जो आपकी सरकार है, वो हर घर जल नल योजना को तो लेकर के कभी से चल रही है। पहाड़ी ब्लॉक में तो पहले से है समस्या थी, आज नई समस्या नहीं है, तो वो बनी रहेगी क्या? नहीं, प्रयास उन्होंने किया, अब प्रयास कर रहे हैं और घर में पानी पहुँचा रहे हैं, बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि 10 साल से सरकार है, क्यों नहीं पूरा हुआ? आज यह चुनाव जीत गई हैं, माननीय सुष्मिता मौर्य जी हमारी विधायक हो चुकी हैं, जीत गई हैं तो काम होगा। इसके पहले सैकड़ों बीघा खेत बजहा में जलमग्न है किसानों का, किसी का ध्यान नहीं हो, चाहे हमारी सांसद जी हो चाहे विधायक जी रहे हो। उन्होंने सदन में बात उठाया था, उसके लिए कार्य भी किया है, उसके लिए बात हुई थी यहाँ पर कुछ, लेकिन हुआ क्या? लापरवाही को देखिए, संसद में बात उठाना अलग बात है और मौके पर काम होना अलग बात है। सदन में बात उठाना अलग बात है, मौके पर काम होना, मौके से 10 साल से क्या दिख रहा है? किसान त्रस्त है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। या खाद मिल रही है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, जिसके वजह से आपस में टकराव कम हो गया है लोगों का। नहीं, पानी के लिए आए दिन लाठिया डंडा चलते थे और रोज थाने पर भीड़ लगी थी, और उस पानी को मिल जाने से, बिजली की वजह से आज आपस में विवाद कम हो गया है। नाली और बिजली की व्यवस्था हो जाने से आपस में विवाद कम खाद हो गया है। खाद के लिए किल्लत थी, अभी बवाल हुआ है, 50 किलो को 40 किलो कर दिया गया है। किसके ऊपर यह चोट जा रहा है? किसानों को, किसानों को लालीपाप 2000 रुपया लालीपाप दिया जा रहा है, कुछ दिया नहीं जा रहा है। 10,000 कटौती किसका हुआ? 10 किलो कटौती किसका हुआ? 50 किलो का यूरिया आता था, वह 40 किलो का हो गया। यह सब खाली बस गुमराह, जनता को गुमराह करना। बाजार में उसको नीम कोटेड किया गया, नीम कोटेड करने में खर्चा लगा, जिसकी वजह से ब्लैक बाजारी, उसकी जैसे ब्लैक मार्केटिंग थी और कई जगह में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता, वो रुक गया। फिर उसका दाम कम क्यों नहीं किया गया? वजन कम किया गया तो दाम कम करना चाहिए। अगर यूरिया का वजन कम किया गया तो दाम क्यों बढ़ गया? पैसा उसका ज्यादा क्यों हुआ, पैसा कम नहीं हुआ? यह सब खाली जनता को गुमराह करना, जनता के साथ धोखा करना, इसके जनता के साथ छलावा करना, इसके अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। यह राम रहीम में पूरे देश को ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, हम लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। चलिए देखिए, तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है? इनका कहना है कि बीजेपी बाहुबल से जीती है और पुलिस को आगे करके जीती है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बीजेपी तो जीती है, उसका वोट भी है, वोट बैंक भी है, काम भी है, सब कुछ है। लेकिन अब भाई कुछ जगह उनको लगता होगा कि ऐसा हुआ है तो अपना बोल रहे हैं, हमको तो नहीं लगा ऐसा कुछ हुआ ऐसी कोई बात हुई होगी। पिछला 5 साल का इनका कार्यकाल सही रहा इस बार? पिछला काम का कार्यकाल बहुत अच्छा था इनका, आज भी कार्यकाल हमको लगता है काफ़ी अच्छा, प्रयास करेंगी, काम अच्छा होगा, अच्छा करना पड़ेगा, नहीं अच्छा करना पड़ेगा तो जनता वापस करेगी, इसलिए इनको बहुत अच्छा काम करना ही होगा। मझवा क्या कुछ है, क्या कुछ नया, मतलब आपको क्या लगता है कि मझवा में क्या नया कुछ होना चाहिए? इसमें मझवा में देखिए बहुत कुछ नया होना बाकी है, कुछ बहुत चौमुखी विकास मझवा का नहीं हुआ है अभी तक, मझवा में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ जो काम हुआ है पहले के ही विधायक किए हैं, अब तक के विधायक जो भी हैं बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं, वहीं हिलता डुलता जो काम आम विधायक करता है वही इनका काम है, कोई ऐसा काम दिख ही नहीं रहा है जो कि पूर्ण रूप से लगे कि हाँ कोई विधायक ऐसा काम किया है। ऐसा काम जनता को क्या चाहिए? महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार, यह दोनों खत्म है, न महंगाई पर नियंत्रण है न रोजगार है सरकार के पास। अगर इन्होंने कोई वैकेंसी निकाला तो पेपर लीक, एक भी बता दीजिए वैकेंसी इनका सही सही हुआ हो, सब पर पेपर लीक, सारे वैकेंसियों का पेपर लीक हुआ है। और युवाओं का वह शोषण किया गया जिसकी सीमा नहीं, किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं और बाप किस तरीके से उन्हें पढ़ाता है, यह जो पढ़ता है और जो पढ़ाता है उसको समझ में आता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं। 250-300 का फार्म भरा जा रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है, यह मार कहाँ जा रही है? जनता का शोषण किया जा रहा है। चलिए, तो क्या चाहते हैं कि क्या कुछ करें? अब विधायक तो बन ही गई हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इनको नया करना चाहिए मझवा में? देखिए, सबसे बड़ी बात है मझवा में यह क्या कर सकती है, जब
ऊपर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महंगाई पर नियंत्रण करें, रोजगार की व्यवस्था करें, नाली सड़क खड़ंजा ये तो सब करते हैं, हट के करना चाहिए। मझवा विधानसभा में पंडित लोकपति त्रिपाठी के अलावा कोई काम नहीं किया है और न कोई कह सकता कि हमने कोई काम किया है। लोग जातिगत राजनीति में चुनाव जीते हैं और शीशा चढ़ा के मजा लिए हैं, किसी ने कुछ काम नहीं किया है। जो पंडित जी ने ट्यूबवेल बनवा दिया उसकी नाली सुदृढ़ ये लोग नहीं करा सके कि नाली बनवा दें उसकी। ये मुद्दे तो लगातार ये चल ही रहे हैं कि जितने उन्होंने नलकूप बनवा दिए उसका ये लोग नाली नहीं बनवा पा रहे हैं। और बात करते हैं विकास की, विकास तो पागल हो गया, वो चला गया हिमालय के पर्वत पे बैठा, उसको पकड़ के ले आना है। चलिए देखे, इस समय हम लोग मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में थे और उसी चाय की दुकान पर हम लोग पहुंचे और कुछ लोग मिले जिनसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है और आज फिर से। अब सुचिस्मिता मौर्य जीतने के बाद अब फिर से हमने सोचा इनसे थोड़ा बातचीत किया जाए कि आखिरकार अब आपको क्या लगता है और क्या कुछ नया होने वाला मझवा विधानसभा में। तो लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया और जो समस्याएं हैं वो अब देखना होगा कि क्या इनके विधायक बनने के बाद या फिर आगामी भविष्य में जो भी इनके मांगे होती हैं ऊपर तक ये उठाती हैं तो पूरा हो पाता है कि नहीं। चले से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहे, मर्चेंट साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।